जज्बा जिला उपाध्यक्ष अमित बिंदल ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कोट मोहल्ला में एक सभा को संबोधित किया। वहां पहुंचने पर अमित बिंदल का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अमित बिंदल ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे जज्बा सरकार आने पर सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे। इस दौरान अमित बिंदल ने जगत महान से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार में जनता पूरी तरह से परेशान है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार जजपा की ही बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के सर्वे दिखाती आई है। आज हम पहुंचे हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जजपा के जिला उपाध्यक्ष अमित बिंदल जी। आइए इनसे जानते हैं कि आज ये कोट मोहल्ला में सोनीपत के सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों की कैसी ज़िंदगी है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और क्या इन्होंने यहाँ पे देखा और क्या ये आश्वासन देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप जिस प्रकार से आज यहाँ कोट मोहल्ला में सबसे ऊँचे स्थान पर पहुँचे हैं, मंत्री होने के बावजूद यहाँ के हालात हमने जो देखे हैं वो बहुत बुरे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी जगत मान टीम को धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जो समस्याएं यहाँ की हैं, ये समस्याएं कोई अलग समस्याएं नहीं हैं, पूरे सोनीपत शहर के अंदर समस्याएं लगभग लगभग बराबर एक समस्याएं बनी हुई हैं। वही बिजली की, पानी की, गली की, सीवर की, कोई इनकी अलग समस्याएं नहीं है जी। पिछले 4.5 साल के अंदर आज तक विकास के नाम पर किसी भी गली मोहल्ले के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। आज तक विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है और पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। यहाँ से मंत्री होने के बावजूद भी सरकार में और यहाँ पर मीडिया प्रभारी भी स्टेट के लेवल के हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हमने पता चला कि पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है इस कोट मोहल्ला में है, तो आप क्या आश्वस्त करेंगे? जब सरकार बनी थी तो जो हमारे वर्तमान MLA हैं, मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस शहर को 2 MLA मिलेंगे, तो वो 2 MLA जो बोला गया था, आज शहर को 2 तो बहुत दूर की बात, 1 MLA भी यहाँ पे नहीं है जी। और जो समस्या पानी की है, आदमी एक टाइम लाइट के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना जीवन जीना पॉसिबल नहीं है जी। जिस प्रकार से सर आज हमें पता चला है कि कांग्रेस की एक रैली थी, उसमें बुजुर्गों को 5,000 रुपये जो है पेंशन देने की बात की गई है और महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा का प्रलोभन दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें वहां पे योजनाएं की हैं, आप 3,000 की बात करते हैं, लोग 5,000 लेके आगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? कल को BJP कह देगी हम 10,000 रुपये कर देंगे, फिर उसका क्या सवाल पूछोगे आप मेरे से? सर BJP तो आज सत्ता में है, अगर वो कहेगी तो उसको करना ही पड़ेगा तो ना, वादे तो कर ही सकती है वो तो जी। आप मानते हैं कि भी मतलब ये जो पार्टियां हैं ये वादे करती हैं? लुभावने वादे, आदमी वो पार्टी वही काम बोलेगी जो कर सकेगी वो चीज़ को, आज बोल के 10,000 रुपये और जितना करना पाए उस काम को नहीं, वही लुभावने वादे करना गलत है, पब्लिक के साथ जनता के साथ ये खिलवाड़ है। तो जजपा के तरफ से आप क्या आश्वस्त कर रहे हैं इस जनता को कि आने वाली सरकार अगर आपकी बनी तो आप इस हल्के में, इस कोट मोहल्ला में विकास करवाएंगे, और क्या कहना चाहेंगे? कोट मोहल्ला, ये पूरा हरियाणा, पूरा देश या पूरे सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो ये पेंशन जो है चौधरी देवीलाल की देन है, उन्होंने 100 रुपये शुरू करी थी, 100 रुपये से, तो इसलिए बुज़ुर्ग सब जानते हैं कि उसका ही पड़पोता है दुष्यंत जी, जो उनके पड़पोते हैं, उन्होंने जो 3,000 रुपये पेंशन बोली है, सरकार आते ही उसको लागू कर देंगे। अमित जी, क्या ये मान के चलेंगे जजपा से आप सोनीपत से ही उम्मीदवार के रूप में होंगे? बिल्कुल, मैं सोनीपत से ही उम्मीदवार रूप में इलेक्शन लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। तो विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे अपने सोनीपत हल्के की? सोनीपत हल्के को और यहाँ बैठे सभी युवा साथियों, माता बहनों, बुजुर्गों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अब की बार सच का साथ दें और कम से कम ये जो जातिवाद है ना अपने बीच में, जो जातिवाद, इसको हटा दें। मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना वो है, इस जातिवाद को अपने हटा दें, अपने दिमाग से निकाल दें जातिवाद को। इस जातिवाद का फ़ायदा उठाकर ये लोग आपसे वोट ले लेते हैं और बाद में आप लोग परेशान होते हो। आने वाले 5 साल और आने वाला अपना भविष्य सही करने के लिए, उज्जवल करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए अब की बार सच का साथ दें और इस जातिवाद को हटा दें।
जिस प्रकार से सर ये लगता है कि ये लोग कहते हैं कि पहले भी नेता आते रहे हैं, पहले भी मंत्री आते रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है, तो ये आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अगर पार्टी आती है तो क्या ऐसा ही हाल रहेगा? इसी के लिए मैंने आगे कदम बढ़ाया अपना समस्याओं को। इससे पहले मैं अपनी संस्था बना के जो काम कर रहा था वो एक सीमित दायरे में था। जन सेवक वेलफेयर सोसाइटी हमारी सोसाइटी है जिसके माध्यम से हम काम कर रहे थे, धार्मिक कार्य कर रहे थे, लेकिन उसमें एक दायरा था। उस दायरे में रह करके मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इस पार्टी में, इस राजनीति में मैं जो जिस निस्वार्थ भावना से आया हूँ उसी भावना से ही हम लोग काम करेंगे जी। तो दर्शकों, ये थे अमित बिंदल जी, जो कि एक प्रसिद्ध व्यवसायी रहे हैं और एक समाज सेवी भी रहे हैं। आज गली गली जाकर, लोगों के बीच में जाकर उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ये कहते हैं कोट मोहल्ला क्या, पूरे हरियाणा क्या, पूरा सोनीपत का, मतलब सब जगह का पूर्ण विकास करवाएंगे और सभी का जो भी समस्या होंगी उनको दूर करेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ तेजवीर सिंह, कोट मोहल्ला, सोनीपत।